इसलिए हम कहते हैं कि किसी तौर पर भी नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन कबूल नहीं ना होने देंगे। नवाज शरीफ को आप जो बुत आपने तराशा था तमाम अदारों ने मिलके, उस मुजस्मे को धूप नहीं अभी तक आपने लगने दी, आजादाना एहतसाब नहीं होने दिया उस मुजस्मे का। आप अगर जानते हैं तो ये पूरी कौम भी जानती है, बेहतर यही होगा कि अदारों में बैठे लोग सच बोल दें, अदारों में बैठे लोग जो हैं वो हकायक जो कौम के इलम में आ चुके हैं वो हकायक अपनी जुबान से कह दें कि क्या क्या गलतियां इस मुजस्मे को बनाने के लिए की गई थी और क्या क्या गलतियां आज भी दोहराई जा रही हैं, महज इसलिए कि ये मुजस्मा कहीं पिघल ना जाए, या ये मुजस्मा टूटेगा तो वो मनसूबा बेनकाब ना हो जाए, वो प्रोजेक्ट जो है वो बेनकाब ना हो जाए। उसको बेनकाब एक दिन होना है मगर पाकिस्तान की कीमत पर ना होने दें। आज अदारों में बैठे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखते, नहीं देखना चाहते, इस पाकिस्तान को नहीं चलने देना चाहते, तब भी बता दें, और अगर उन्होंने यही रवैया रखा तो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह पाकिस्तान चलता नजर नहीं आ रहा। अदारों में बैठे लोगों के साथ मिलकर बनाई थी और हर एक को जो जो हिस्सा देना था